उद्धव ठाकरे सरकार बचाएं या फिर पार्टी, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उनके सामने इस वक्त यही है, क्योंकि विधायकों की टूट का सिलसिला जारी है। तो अब जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और एकनाथ शिंदे का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे एंड कंपनी सरकार बचाने से पहले अब पार्टी को बचाने में जुट गई है। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। आदित्य और संजय राउत ने आज बागी विधायकों पर जोरदार हमला बोला, तो कल शिवसेना ने गोवंडी में रैली का ऐलान कर दिया है। मुंबई में भी जनसभा होगी। सवाल अब सरकार का नहीं, पार्टी का है। शिंदे गुट का दावा है कि जल्द ही दो और विधायक ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये शिंदे गुट कह रहा है। शिवसेना और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर उनके पास 51 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। अगले 3 से 4 दिनों में फैसला किया जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र वापसी की योजना बनाई जाएगी, उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चौपाटी में गवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। संजय राउत विधायकों को चौपाटी बुला रहे हैं, लेकिन विधायक एक एक करके गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत का भी चौपाटी से मोह भंग हो गया और गुवाहाटी का टिकट कटा लिया। मतलब हर दिन उद्धव की ताकत कम हो रही है तो एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ रही है, लेकिन शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य संजय राउत का जोश हाई है। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी, इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, उस वक्त नहीं बनाया था 2019 में, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने, और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी माणूस की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। उद्धव एंड कंपनी विधायकों की भगदड़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। जो विधायक गुवाहाटी में रहकर महाविकास अघाड़ी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, उन विधायकों के खिलाफ माहौल बनाकर दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। एरिया के विधायक जो हैं वो गुवाहाटी में, एक एरिया के विधायक ही गुवाहाटी में है, वो भी गुवाहाटी में है, सदा सरवनकर गुवाहाटी में है, वो बहुत गद्दार आदमी है, उन्होंने शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान दिया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं और उनके लड़कों को भी छोड़ेंगे नहीं, वो हमारे पक्ष के खिलाफ बात कर रहा है तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप लोग धमकी दे रहे हैं? हाँ धमकी दे रहे हैं उनको, हम क्या करेंगे? हाँ हमें जो करना है हम वो करेंगे, हम बता हम दिखा के करेंगे, जो करना है वो करेंगे, फिर आपको बताएंगे, जो उद्धव साहब आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। जी, जी, यहाँ पर और भी कई शिव सैनिक जो हैं वो सीधे माहिम की तरफ निकल रहे हैं, माहिम से कुछ दूरी पर जो है मातोश्री भी है, और ऐसे में इन्हें माहिम तक जाने कहा गया है। जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ वो प्रभा देवी में आता है, प्रभा देवी सदा सरवणकर का इलाका है, और यहाँ के विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए कई शिवसैनिक सड़कों पर उतरे हैं। आप लोग भी सड़कों पर उतरे हैं उद्धव साहब के समर्थन के लिए? हाँ समर्थन के लिए उतरे, गुवाहाटी में है लेकिन सदा सरवणकर, वो जाने तो उधर रहेगा, मारना ना चला वो, अभी आला तो मारना ना चला, अभी वो आएगा नहीं, आप लोग धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब नोका देओ। उद्धव एंड कंपनी विधायकों को अपने गुट में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया जा रहा है, बाला साहेब के नाम का सहारा लिया जा रहा है। शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे,
और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे, बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस, लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। संजय राउत को सुना आपने, उद्धव एंड कंपनी ने शिव सैनिकों को इशारा दिया नहीं, या फिर इशारा हो चुका है, जिसका रिपोर्ट कार्ड दो दिनों से अलग अलग बागी विधायकों के घरों और दफ्तरों से आ रहा है। और यही वजह रही जिन विधायकों के घरों पर हमला हुआ, उन 15 बागी विधायकों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रकाश सुर्वे, सदानंद सरवणकर, योगेश दादा कदम, प्रताप सरनायक, रमेश बोरनारे, मंगेश कुदलकर, संजय शिरसन, लताबाई सोनवड़े, यामिनी जाधव, प्रदीप जायसवाल, संजय राठौर, दादाजी भुसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याण और संदीपन भुमरे को Y प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में जो बागी विधायक मौजूद है, अब उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर शिवसैनिकों ने हमले करना शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं मुंबई के शिवाजी पार्क में, जहां पर ये देवकुंज मकान है। सदा सरवनकर जो शिवसेना के विधायक है, बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी में है, उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाई प्लस सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई है, जिसमें कि CRPF, SRPF और मुंबई पुलिस के जवान तैनात है। उनके मकान के चारों तरफ जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि कोई भी शिवसैनिक यहाँ पर ना आए, क्योंकि दादर माहिम के विधायक और दादर माहिम जो है वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, उनके मकान के बाहर ये CCTV से लेस कैमरा सर्विलेंस वैन भी लगाई गई है, और SRPF CRPF के गाड़ियाँ भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है, ऐसे कुल मिलाकर करीबन 15 से ज़्यादा विधायक है, जिसमें मुंबई के जो है लांडे है, उसके बाद मंगेश कुडालकर मौजूद है, उनके घर की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। 15 से ज़्यादा जो विधायक है जिनके घर पर शिवसैनिकों ने उत्पात मचाया है, कहीं पर उन पर पोस्टर फाड़े हैं, कहीं पर उनके दफ्तरों पर हमला किया है, तो कहीं पर उनके मकानों पर हमला किया है। अब ऐसे में इन विधायकों के, बागी विधायकों के घरों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी एक चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को, और ये कहा है कि जो बागी विधायक है उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बागी विधायकों के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो एकनाथ शिंदे के घर ठाणे से भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ठाणे की शिवसेना के जिला प्रमुख ने शिंदे के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। पूरे ठाणे की क्या स्थिति है? आपने कल देखा कि यहाँ समर्थन में सब थाने के लोग जमा हुए थे, एकाध दो नगर सेवक छोड़ के सब नगर सेवक यहाँ थे, सब विभाग प्रमुख थे, सब शाखा प्रमुख थे, सब गट प्रमुख थे, शिवसैनिक यहाँ थे। क्योंकि अगर कोई नहीं रहा तो उसका मैं मुखिया बन के क्या करूँ, सब शिंदे साहब के साथ में है, तो मैं पहले दिन से शिंदे साहब के साथ में हूँ। और शिंदे साहब ने जो भूमिका ली है हिंदुत्व की, और राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तोड़ने की जो उन्होंने मांग की है, वो एज ए शिवसैनिक मुझे पसंद है, इसीलिए उनके समर्थन में मैंने मेरा इस्तीफा दिया है। लेकिन आप अकेले अभी तक पूरे जिले में इस्तीफा दिए हैं कि बाकी जो के जो पदाधिकारी है? देख रहे हैं सब पदाधिकारी साथ में हैं, और क्या बताने के, सब लोग साथ में हैं। शिवसेना में बगावत की चिंगारी अब कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई है। उद्धव के सामने सरकार, पार्टी और अब कार्यकर्ताओं को भी बचाने की चुनौती है, लिहाजा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। दहिसर में संजय राउत कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते होश खो बैठे। ये जो 40 लोग दिक्कत का आहेत ना, ये जो अंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, ये मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉडी इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला आहे, लटपट आहेत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं, त्यांना माहिती आहे इथे इथे आग पेटलेली आहे, या आगीमध्ये काय होऊ शकत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।